हेलो भाई, मैं हिमांशु यादव। स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना। भाई आज हम बात करने वाले हैं क्रेटा ई डीजल की। ये 2020 वेरिएंट है और ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था 2020 में। अब तो कंपनी ने इससे फीचर हटा दिए हैं बहुत सारे, तो भाई ने सही टाइम पर ले ली थी जिन भाई की ये गाड़ी है। ई और ई एक्स वेरियंट में ज़्यादातर बस एक मेन जो 1.5 लाख में जो अंतर आता है वो बस एक स्टीरियो का, स्पीकर्स का, 4 स्पीकर का, 2 ट्विटर का आता है बस, और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे एलोय लगवा रखे हैं, आफ्टर मार्केट हैं। एक बार कार का वॉक अराउंड देख लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये 17 इंच के एलोय हैं भाई, कंपनी 16 देती है, टॉप मॉडल में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी ग्रिल से। जो इसकी ग्रिल है भाई वो है ग्लॉसी क्रोम की, जो एस से स्टार्ट हो जाती है क्रोम वाली। ये इसमें ग्रे कलर की है, बीच में आपको ब्लैक मिल जाता है। अब कंपनी ने हटा दिया, अब सिर्फ ब्लैक कर दिया। यहाँ पे जो स्किप प्लेट देख रहे हो वो भी कंपनी ने ब्लैक कर दी है, तो कंपनी ने फीचर डिक्रीज कर दिए हैं। ये इसके यहाँ पे हेडलैम्प आ जाते हैं बीच में से ही, बेस मॉडल से ही कंपनी इसमें DRL और प्रोजेक्टर देती है। भाई ने इसमें HID डलवा रखी है, वो हम आपको थ्रो दिखा देंगे। नीचे इसके इंडिकेटर आ जाते हैं। इस तरफ बात करें तो टायर साइज दिखाऊं मैं आपको, तो इसका टायर साइज है 215/60R17। 17 इंच के टायर हैं और काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं गाड़ी को। और जो अब कंपनी ने एक फीचर डिक्रीज करा है, वो जो इसका ORVM पे इंडिकेटर आता है वो हटा के कंपनी ने यहाँ फेंडर पे दे दिया है, जो अच्छा नहीं लगता। उसको बाहर से चेंज भी करा सकते हैं, मतलब खर्चा बहुत आता है। तो आफ्टर मार्केट इसमें ये भी काम हुआ है, एक वो डोर वाइजर्स लगे हैं क्रोम बीडिंग के साथ। इन्फिनिटी के स्पीकर इसमें 4 कंपोनेंट लगवा दिए हैं और रूफ रेल्स इसमें नहीं आती, टॉप मॉडल में आती हैं, तो ये आफ्टर मार्केट लगवाई हैं। डोर हैंडल आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं, जो अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी क्रोम से सही लग रहे हैं। ब्लैक कलर में अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ इसका डीजल टैंक मिल जाता है। पीछे से बात करें तो गाड़ी का लुक कुछ ऐसा है। बीच में आपको हाई स्टॉप लैंप मिल जाता है रेड कलर का, और टॉप मॉडल में इसमें LED आ जाती है जो थोड़ी मोटी लगती है, वैसे सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको ब्रेक इंडिकेटर सब इसी में मिल जाएगा। नीचे रिवर्स यहाँ पे क्रेटा की बैजिंग आपको दिख जाएगी। ये ई वेरिएंट है डीजल। नीचे की तरफ स्किप प्लेट काल वो ब्लैक और ग्रेश उसमें है थोड़ी सी, यहाँ नंबर प्लेट दिख जाएगी। बूट की बात करें तो ऐसा इसका बूट स्पेस है 430 लीटर का, जो काफ़ी अच्छा है इस सेगमेंट के हिसाब से। और कंपनी इसमें बेस मॉडल से 4 पार्किंग सेंसर देती है। बाहर से इसमें कैमरा आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराया है। और यहाँ पे आपको बूट बंद करने का दे रखा है, यहाँ पे इसका बटन है इस साइड, ये रहा मैग्नेटिक बटन, तो बूट कर देते हैं बंद। चलते हैं गाड़ी के बैक सीट पे। ऐसा कुछ दरवाज़ा मिल जाता है इसका, जो बेस मॉडल से डुअल टोन इंटीरियर कंपनी देती है। यहाँ पे इन्फिनिटी के स्पीकर्स इसमें मिल जाएंगे जो आफ्टर मार्केट हैं। यहाँ पे पावर विंडो इतना कुछ वो है, ऐसी सीट्स हैं गाड़ी की, देख लो अंदर बैठे तो भाई स्पेशियस है गाड़ी, अच्छा खासा स्पेस देती है कंपनी, स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं है। पीछे से रेंज रोवर इवोक वाला लुक आ जाता है इसमें थोड़ा सा। इस साइड बात कर लो तो देख लो ऐसे, या बेस मॉडल से ही कंपनी ने इसमें ये भी दिए हैं AC वेंट्स, जो अब हटा दिए हैं। और यहाँ पे नीचे आपको स्पेस मिल जाता है थोड़ा सा, और यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए स्पेस है, इधर साइड नहीं है, ये भी हटा रखा है। ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिल जाते हैं। लाइट आपको आगे की जगह यहाँ पे सिर्फ पीछे मिलेगी, जो वाइट करा रखी है आफ्टर मार्केट। इसमें पार्सल ट्रे नहीं आती, पार्सल ट्रे भी इसमें काम होगा, वो हम मोड्स आपको दिखा देंगे जो भी होगा। बंद है अभी? बंद है नहीं, एडजस्ट का ऐसे ऐसा कुछ। गाड़ी का फ्रंट डोर मिल जाता है, देख लो आप। यहाँ पे आपको सारे वो मिल जाते हैं कंपनी के बटन्स,
जो कंपनी देती है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो मिरर्स, वो भी करके दिखा देंगे, लॉक अनलॉक चारों पावर विंडो, और यहाँ से रियर विंडो को लॉक कर सकते हो। डोर काफ़ी अच्छा दिख जाता है, फिर से बता रहा हूँ, इसमें इन्फिनिटी के स्पीकर्स आफ्टर मार्केट हैं। चलो अंदर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ऐसी कुछ गाड़ी की मिल जाती है जो बेस मॉडल से ही कंपनी देती है, और ये काफ़ी, तो करते हैं भाई गाड़ी को स्टार्ट। वहाँ पे सिस्टम चेक में क्रेटा बनी आती है, देखो फिर से दिखाऊं, चाबी निकाली, डोर ओपन है तो इसलिए डोर का आ रहा है, लगाई तो वो सिस्टम चेक में बहुत अच्छा सा वो आ जाता है इल्यूजन। तो ऐसे कुछ आपको इसकी MID मिलती है। राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में आपका RPM मीटर दिख जाता है, उधर इंजन कूल वगैरह का दिख जाता है, बीच में आपको हैंड ब्रेक और सीट बेल्ट का दिख गया। MID से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल हैं, तो यहाँ पे आप स्पीड का भी कर सकते हो, और भी लाइट डोर वगैरह की सेटिंग है जिनको हम छेड़ते नहीं हैं। अभी आगे चलते हैं, यहाँ स्पीड वगैरह का फिर से आ गया, लाइट और बस यही। तो इस साइड ट्विटर मिल जाता है, ये भी आफ्टर मार्केट है। AC वेंट्स आपको कार में बहुत अच्छे मिल जाते हैं जो सिल्वर फिनिश में हैं, और AC कार का बहुत अच्छा है ये, अभी यहाँ पे कनेक्टेड है ये, इसका स्टीरियो हाइपरसोनिक का जो आफ्टर मार्केट लगवाया है, ये यहाँ पे आपको दिख गए इसके वो AC वेंट्स। इस साइड आपको लाइट से रिलेटेड कंट्रोल दिख जाएंगे, लाइट से रिलेटेड यहाँ पे वो ऑन हो गई DRLs और वो, और प्रोजेक्टर, हाई बीम, लो बीम सब। बीच में भी आपको MID में अगर मैं लाइट ऑन करूँगा तो दिख जाएगा, लाइट डिम हो रही है, पास का सब कुछ है। और फिर स्टीयरिंग पे आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते सिवाय MID के, इसमें ओके MID से रिलेटेड है, इसमें काम होगा अभी आफ्टर मार्केट, वो हम आपको दिखा देंगे सारा। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका रियर व्यू मिरर, यहाँ पे बीच में आपको हज़ार्ड लाइट्स मिल जाती हैं। AC आपका मैनुअल है, बीच में यहाँ पे स्टोरेज है थोड़ी सी, और 12 वॉट का सॉकेट फ़ोन चार्जर का। बेस मॉडल में इसमें 2020 वाले में आपको TPMS मिलता है जो इस गाड़ी में भी है, और इधर की सीट देख लो आप तो अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल कार है। और जो बेस मॉडल है ये वाला, इसमें इसका जो ग्लव बॉक्स है वो कूल्ड है, मतलब जो भी आपकी ड्रिंक वगैरह रहेंगी वो ठंडी रहेंगी, तो देख लो। और अब गाड़ी की ड्राइव की बात करेंगे, अभी करेंगे गाड़ी की ड्राइव की भी बात। और इधर आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, जो मिस्ट, ऑफ, लो, हाई, ये सारी स्पीड वगैरह मिल जाएंगी। रियर में इसमें कोई भी वाईफाई डिफॉगर, वो वाइपर डिफॉगर नहीं आता। थोड़ी सी बाहर की बात करें दोबारा से, तो इसमें आपको ए पिलर से सी पिलर तक सिल्वर फिनिश मिल जाएगी, जो कोई सा भी कलर ले लो वो उसमें आएगी आएगी, ब्लैक कलर में भी आएगी। और इसमें स्पॉइलर कंपनी देती है, देख लो स्पॉइलर से काफ़ी अच्छी लुक आ जाती है कार की। और बात करें गाड़ी के बोनेट की बात करें, तो गाड़ी डीजल इंजन है तो आवाज़ कम से कम करती है, तो ये इसका BS6 इंजन है देख लो, जो बहुत कम, बाहर थोड़ी बहुत आवाज़ आपको मिल जाएगी पर गाड़ी के अंदर बिल्कुल कम से कम नॉइस आती है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक कवर सा है जो कवर आवाज़ को बहुत कम अंदर आने देता है। ये इसका 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो 114 BHP की पावर निकालता है। देखो अभी भाई कार का AC बंद करके दिखाएंगे तो आवाज़ थोड़ी और आपको कम मिलेगी, ये देखो थोड़ी वाइब्रेशन सी कम हो गई, बाकी वाइब्रेशन से ऐसा लगता है हम पावरफुल कार चला रहे हैं, और ये पावर फील कराती है। 6 गियर गाड़ी में आते हैं, और देख लो आप इसका ऐसा कुछ मिल जाता है पूरा सिस्टम। तो चलो चलते हैं एक बार फिर से गाड़ी के अंदर। यहाँ पे कार में बेस मॉडल में ही आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जो स्पेस के साथ है, इसमें आप कुछ भी अपना सामान रख सकते हो। यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, ऐसा कुछ गाड़ी का हैंड ब्रेक मिल जाता है ऐसे, ये कोई पोलो वगैरह की तरह साइड में करके नहीं हटता। तो अब आपको हम गाड़ी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिखाएंगे, माइलेज 17-18, और इसका डीजल इंजन जो BS6 का है वो कम से कम 16-17 की आपको दे देगा एवरेज अच्छी तरह, और कार का हॉर्न सुनना हो तो अच्छा हॉर्न है काफ़ी। और आप इसके वेरिएंट ऊपर अगर शिफ्ट करोगे तो उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट, पैनोरामिक सनरूफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, तो
अभी हम आपको दिखाएंगे गाड़ी का ड्राइव एक्सपीरियंस। तो भाई चलो हम क्रेटा का आपको ड्राइव एक्सपीरियंस दिखाते हैं ई डीजल का। तो भाई बिना रेस दिए गाड़ी चल रही है आराम से, स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी भी है। थोड़ा एक्सलेट करते हैं। तो भाई चलाने में अच्छी है, कोई पावर की कमी महसूस नहीं हो रही। पहले गियर से आपको पावर मिल जाती है इसमें। स्टीयरिंग काफी अच्छा है इसका, थोड़ा सा हैवी सा भी फील हो रहा है पर अच्छा है, कोई मतलब वो नहीं है, दिक्कत नहीं है चलाने में। थर्ड गियर पे शिफ्ट कर दी तो दिखा भाई एक बार। ऐसे आपको भाई यहाँ पे MID मिल जाती है जो शो कर रही है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है। पीछे का व्यू देख लो थोड़ा सा, और ये रहे हम। तो भाई मतलब पावर है कार में, कोई ऐसी कमी नहीं हो रही जैसे कि कोई दिक्कत हो इधर इंडिकेटर वगैरह इसके। और एलोई की वजह से जैसे सब लोग कहते हैं कि कार का कंफर्ट कम हो जाता है, भाई हमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। पावर है कार में, आराम से पुश कर देगी कार की स्पीड। फोर्थ पे लगा लिया गया है, फोर्थ गियर पे आराम से 30-40 की स्पीड पे चल रही है। 6 गियर कंपनी देती है इसमें। भाई अभी दिखाते हैं आपको थोड़ा सा इसका हाईवे का रिव्यू भी दिखाएंगे भाई हम आपको। एवरेज का मैंने बता ही दिया है आपको कि ये कितनी एवरेज देती है जो कंपनी क्लेम करती है। कंपनी क्लेम करती है 21 की, पर ये दे देगी आपको आराम से 16-17 की दे देगी। थोड़ी सी चढ़ाई थी भाई यहाँ पे, तो चढ़ाई पे भी गाड़ी बंद नहीं हुई पहले गियर पे बिना रेस दिए। तो मतलब इसका जो 1.5 लीटर का इंजन है डीजल, वो पावर शो करता है। सेकंड गियर पे दिखाएं आपको कितनी RPM पुश कर देती है। तो कर देती है भाई, ये जा ही रही है अभी तो। सेकंड गियर पे 50 तक चढ़ जाएगी। थर्ड गियर पे भी भाई पिकअप है गाड़ी में। ब्रेक की बात करें तो भाई ब्रेक भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं इसके। हमें एकदम से आपको रोक के दे देंगे गाड़ी अगर आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी हो। तो और भाई इसके बारे में क्या बताएं, गाड़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। स्टीयरिंग की बात करें तो काफी अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है इसमें। और पीछे का भी आपको अच्छा खासा व्यू दिख जाता है। अब चलते हैं वहीं पे जहां से हम आए थे।